ये कहानी एक ऐसे ड्रग नशे के बारे में है जिसको लोग जब भी लेते हैं तो इस ड्रग का असर कुछ लोगों के जिसमे होता है और कुछ के नहीं और इस ड्रग को लेकर लोग वेम्पायर बदल जाते हैं कहानी के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे मजे करते हुए जा रहे थे जिनमें से लड़का जिसका नाम रॉबिन था वो आगे बंद करके पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी को चला रहा था शुरू में रॉबिन के दोस्त जिसका नाम मीरता था उसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था पर रॉबिन गाड़ी को और तेज चलाता है तो मीरता अब डरने लगती है पर तभी मीरता अपने सामने एक ट्रक आता हुआ देखती है और अपने दोस्त को गाड़ी दूसरी साइड पर करने का बोलती है पर रॉबिन जब बिल्कुल उस ट्रक के पास आ गया था तो अपनी गाड़ी को अचानक से दूसरी साइड पर मोड़ता है अब ये एक माइन एक कान में आ गए थे गाड़ी से निकल कर मीरता रॉबिन पर गुस्सा होती है और कहती है की तुम पागल हो अभी मैं मरना नहीं चाहती पर रॉबिन जब मीरता को प्यार से मनाता है तो वो मान जाती है हमें पता चलता है की रॉबिन ड्रग्स लेता था वो यहाँ पर भी ड्रग्स लेने वाला था मीरता जब ये देखती है तो जिद करती है कहती है मैं भी इस ड्रग को लेना चाहती हूँ पर रॉबिन उसे कहता है मीरता देखो मेरी जान ये ड्रग्स बहुत अलग है खतरनाक भी इससे तुम्हारा दिमाग भी फट सकता है मीरता रॉबिन से वादा लेती है कि ये ड्रग लेने के बाद तुम कभी भी इस ड्रग को नहीं लोगे क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और साथ ही रॉबिन के साथ जीने मरने की भी कसम खाती है फिर जिसके बाद दोनों उस ड्रग को अपनी आंखों में डाल लेते हैं उस ड्रग को लेने के बाद उनकी आंखों से काले रंग का लिक्विड निकलने लगता है रॉबिन उससे कहता है हम दोबारा फिर मिलेंगे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है की मीरता और रॉबिन की लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी जिसको बाहर खड़े मीरता के मॉम डैड देख रहे थे और अपनी बेटी की मौत ऐसी बहुत ज्यादा दुखी थे इसका मतलब था कि उस ट्रक को लेने के बाद दोनों की मौत हो चुकी थी दोनों मर चुके थे पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन की लाश को लेने कोई भी नहीं आया था और सब कसूरवार मीरता की मौत का रॉबिन को ही समझ रहे थे फिर जिसके बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर मीरता और रॉबिन को दफन किया गया था उनके साथ ही और भी टीन जवान लड़के लड़कियों की कब्रें थी उनकी मौत भी इसी ड्रग को लेने की वजह से हुई थी तभी मीरता की कब्र से आवाज आती है और अचानक से वो अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ गई थी थोड़े वक्त के बाद सांस लेने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोबारा से जिंदा हुई है उसकी कब्र के सामने रॉबिन की कब्र भी थी जिसको देख कर मीरता बहुत रोती है चीखती है चिल्लाती है और फिर थोड़ी देर के बाद अपने घर के लिए निकलती है जब ये रास्ते से जा रही थी तभी ये एक गाड़ी को देखती है जिसमे कुछ दोस्त बैठे थे और मजे कर रहे थे ये सब देख कर मीरता अपने पास्ट माजी को सोचने लगी थी तो यहाँ से कहानी हम मीरता के पास्ट की देखते है जब वो कॉलेज में थी एक दिन कुछ लड़के उसे तंग कर रहे थे तभी उसने पहली मरतबा कॉलेज में रॉबिन को देखा था तो उसकी दोस्त से उसे पता चलता है कि रॉबिन पर कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा हैं। रात को जब यह अपनी दोस्त के साथ क्लब में जाती है जहाँ पर मीरता की दोस्त पर एक लड़का जान कर शराब को गिरा गया था जब उसकी दोस्त खुद को साफ करने बाथरूम में जाती है तभी उसकी नजर फिर से रॉबिन पर पड़ती है जिसको देख कर मीरता मुस्कुराने लगी थी रॉबिन भी उसके पास आ रहा था किसे देख कर मीरता भागने लगती है और ये उसको गोद में उठा कर क्लब में लाकर डांस करने लगता है एक दिन रॉबिन जब इसको रात को घर छोड़ने गया था तो यहाँ पर वो इसके घर जाने की जिद कर रहा था पर मीरता कहती है देखो बात को समझो मेरे मॉम डैड घर पर है रॉबिन भी सब समझ कर मीरता को प्यार से देखता हुआ चला जाता है और मीरता झाड़ियों से होते हुए अपने घर में आ गई थी अब सीन दोबारा से प्रेजेंट यानी के मौजूदा वक्त में आता है मीरता अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी थी वो उन्हीं झाड़ियों से होते हुए वापिस से अपने घर में आ गई थी मीरता अपने घर आकर फ्रिज से कुछ निकाल कर खाती है फिर अपने मॉम डैड को देखने जाती है जो अपने कमरे में सो रहे थे जब ये अपने कमरे में जा रही थी तो इसकी मॉम की अचानक से आंख खुल जाती है वो जब अपनी बेटी को देखती है तो मीरता के पीछे पीछे आने लगती है पर मीरता अपनी मॉम को देख कर दरवाजा बंद कर देती है उसकी मॉम जब दरवाजा खोलने का कहती है तो अपनी मॉम को ऐसा कहते हुए देख वो दरवाजा खोल देती है उसकी मॉम जब उसको हाथ लगा रही थी तो उनको उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा लग रहा था यहीं पर मीरता के डैड भी आ गए थे पर मीरता अपने डैड की आवाज़ सुनकर अपने घर से भाग जाती है उसके डैड जब उसके कमरे में उसकी मॉम को देखने आते हैं तो उन दोनों को अब ऐसा लग रहा था कि मीरता उन्हें अपने ख्यालों में दिख रही है मीरता भी अपने घर से भाग कर जंगल में आ गयी थी यहाँ पर एक ग्रुप के लोग उसे अपने साथ लेने आए थे और उसे कह रहे थे की हम तुम्हारी मदद करना चाहते है मीरता उन्हें देख पेड़ पर चढ़ जाती है फिलहाल कुछ वक्त के लिए मीरता उन लोगों से बच गई थी जिसके बाद वापिस से ये अपनी कब्र पर जाती है तो उसे अपने हाथों की नसें काली होती हुई नजर आ रही थी ये स्याही उसके पूरे जिस्म में फैल रही थी मीरता परेशान हो जाती है जिसके बाद वो एक स्टोर पर आती है वहाँ के बाथरूम में जाकर जब ये खुद को देखती है तो अब इसकी आँखें भी काली पड़ चुकी थी वो स्याही इसके पाओ पर भी फैल चुकी थी और अब इसके नाखून भी अलग हो रहे थे जब ये स्टोर से बाहर आती है तो एक क्लब में चली गई थी जहां पर इसको एक इंजीनियर मिलता है जो इसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था यहीं पर क्लब में ये रॉबिन के दोस्त को भी देखती है अब ये उससे बचने के लिए ये उस इंजीनियर का सहारा लेकर क्लब से बाहर आ गई थी उधर दूसरी तरफ मीरता की मॉम जो अपनी बेटी की मौत के सदमे में थी तभी उनके घर पर एक आदमी आता है जो बताता है कि आपकी बेटी मीरता जिंदा है वो वापिस आ चुकी है और मौत से जागने के बाद वापिस से लोग सबसे पहले अपने घर में ही आते हैं ये आदमी दरअसल उन्ही लोगों का लीडर था जिनको हमने देखा जो मीरता को जंगल में भी ढूंढ रहे थे मीरता के डैड उस लीडर से कहते हैं कि प्लीज हमें और परेशानी मत दे हम आगे ही बहुत ज्यादा परेशान है मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है वो लीडर जाता हुआ मीरता के डैड से कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ पर हाँ मेरी बात याद रखिएगा अगर मीरता वापस घर आई तो इस बार उसे अपनी बेटी समझने की गलती मत करिएगा क्योंकि वो अब बदल चुकी है उस आदमी ने मीरता के बारे में ऐसा क्यों कहा था कि हमें आगे कहानी में पता चलेगा उधर मीरता उस इंजीनियर को लेकर उसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर ये रॉबिन के साथ आई थी इंजीनियर उस बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था पर उसे ये करना नहीं चाहिए था मीरता उस इंजीनियर की गर्दन को काट कर इसे भूखे जानवर की तरह खा रही थी इसकी आंखें भी काली पड़ चुकी थी ये उस इंजीनियर को खाने के बाद मीरता एक दुकान पर आती है और वहाँ से एक फोन को चुरा लेती है हम देखते हैं कि टीवी पर उसी इंजीनियर के कत्ल की खबर चल रही थी ये फोन चुराने के बाद अपने डैड को फोन करती है पर कुछ भी नहीं बोल पाती रात को ये अपने घर आ गई थी जहाँ पर वो रॉबिन के साथ रहा करती थी वो पहले अपने कपड़े बदलती है और फिर सोफे पर लेट कर रॉबिन के साथ बिताए हुए लम्हों को फिर से याद करने लगती है तभी इसके बाद इसके डैड भी आ गए थे जो नहीं जानते थे कि मीरता यहाँ पर है वो अपनी दोस्त के साथ थे वो उसे बता रही थी मैं जानता था मेरी बेटी यहाँ पर रॉबिन के साथ आकर रहती है और ड्रग्स भी लेती है लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया दिया जिसका मुझे आज भी दुख है मीरता के डैड की दोस्त उसके डैड को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ये कहकर जब ही कमरे से बाहर आती है तो मीरता उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला करके उसे भी उसी इंजीनियर की तरह खाने लगती है क्योंकि मीरता ने उस लड़की को अपने डैड को फटकाते हुए सुना था इसका मतलब ये था कि मीरता अब एक वेम्पायर बन चुकी थी और ये सब सिर्फ उसी ड्रग की वजह से था जो रॉबिन ने से दिया था खैर यहाँ पर जब इसकी आवाज को सुनते हैं तो आकर देखते हैं मीरता खून से भरी हुई थी ये उसे देख परेशान हो गए थे तभी इधर कुछ लोग आते हैं जो मीरता को पहले भी पकड़ना चाहते थे ये यहाँ पर आकर गोलियाँ चला रहे थे पर मीरता को इनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता पर बेचारे उन गोलियों की वजह से इसके डेड मारे जाते हैं ये खिड़की से कूद गई थी नीचे भी उस ग्रुप के लोग थे जो इस पर लगातार गोलियां चला रहे थे पर इस पर उनका कोई असर नहीं होता ये भाग रही थी तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो मीरता को अपनी बाइक पर बिठा कर ले जाती है ये औरत इसको अपने घर ला कर इसके जिस्म से गोलियाँ निकालती है और बताती है की वो लोग एक ऐसे ग्रुप से है जो हम जैसे खतरनाक लोगों को मारते हैं और इस काम में इनका साथ गवर्नमेंट भी देती है उधर वो लोग मीरता की डेड और उनके दोस्त की लाश को ले जा रहे थे वो औरत मीरता को बताती है कि तुम ओवर डेड हो यानी कि मौत के बाद दोबारा से जिंदा हुई हो वो लोग हम जैसे लोगों को ओवर डेड बुलाते हैं वो बताती है कि मौत के बाद जो भी लोग दोबारा तो जिंदा होते हैं वो अपने साथ खतरा लाते हैं जो बाकी लोगों के लिए खतरनाक होता है वो औरत उसे बातें करने के बाद रात में उसे एक आदमी का शिकार सिखाती है कि कैसे अपने शिकार को पकड़ना है और खाना है ये दोनों उस आदमी को खाने के बाद शहर से बाहर जा रही थी ये औरत मीरता को अपने खुफिया बेस पर ले जाना चाहती थी पर मीरता नहीं जाती वो कहती है मैं रॉबिन के बगैर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और ये कहकर चलती गाड़ी से कूद जाती है क्योंकि अब उसको मौत का डर भी नहीं था उसे पता चल चुका था कि वो अब नहीं मर सकती जिसके बाद ये दोबारा से कब्रिस्तान आती है जहाँ पर रॉबिन का दोस्त उसकी कब्र पर बैठा रो रहा था जब वो मीरता को देखता है तो हैरान हो जाता है ये अब मीरता को अपने घर ले आया था उसको बताता है कि मुझे रॉबिन ने बताया था कि उसे किसी जानवर ने काट लिया है अब जब बातों बातों में ये मीरता के साथ डांस कर रहा था तो तभी मीरता की आंखें काली पड़ चुकी थी वो वेम्पायर में बदल जाती है जब रॉबिन का दोस्त ये देखता है तो अपना गला काट कर कहता है मुझे भी वेम्पायर बना दो पर मीरता तो उल्टा उसकी गर्दन से निकलता हुआ खून नहीं नहीं लगती है उधर वो औरत जिसने मीरता को बचाया था जब अपने घर जाती है तो उधर उसी ग्रुप के लोग थे जिनमें से दो को तो वो औरत मार देती है पर उधर इनका लीडर भी था ये उस औरत को बिजली के झटके देकर अपने साथ ले आए थे जब मीरता कब्रिस्तान में दोबारा से जाकर रॉबिन की कब्र को देखती है तो उधर कोई भी नहीं था पर उसके पीछे उसी ग्रुप का आदमी इसे भी बिजली का झटका देकर साथ ले जाता है जब मीरता को होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में ग्रुप के लीडर के सामने कैद पाती है से कहती है कि मुझे मार दो जिस पर वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से काम मरने वाली हो तुम्हें मारने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम तो हमारे खास आदमी की अमानत हो जो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन था इसका मतलब ये था की रॉबिन अभी भी जिंदा था वो कभी मरा ही नहीं था रॉबिन आकर मीरता को सनचीरों से आजाद करवाता है और उसे अपने साथ एक कमरे में ले आया था जहाँ पर अब रॉबिन उसको कहानी बताता है कि मैंने एक ओवर डेड को अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को खाते देखा था और उसी दिन मैंने इस ग्रुप से मिलने का फैसला किया कि मैं इनके साथ मिलकर ओवर लोगों को पकड़ूंगा उन्हें मारूंगा तभी मैंने तुम्हारे साथ उस ड्रग को लिया था और मैंने इसीलिए तुम्हें भी ओवर में बदल दिया ताकि हम दोनों मिलकर इनका साथ दे सके सब सुनने के बाद वो अपनी मौत का कसूरवार रॉबिन को मानती है उसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था एक आम इंसान से उसे एक इंसान खाने वाला हैवान बना दिया था ये सब सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो अब इस कमरे से बाहर आती है जहाँ पर बाहर आकर ये उसी औरत के चीखने की, की आवाजों को सुनती है जिसने इसकी मदद की थी ग्रुप का लीडर उसको बिजली के झटके देकर मारने की कोशिश कर रहा था मीरता उस कमरे में आकर लीडर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उस औरत को बचा लेती है जब ये उस औरत को बचा कर जा रही थी तो रास्ते में इन्हें दोबारा से ग्रुप के लोग मिल जाते हैं ये दोनों को वापिस ऐसी पकड़ लेते हैं इससे पहले ये इन दोनों को वापिस ले जाते तभी यहाँ पर मीरता इन सब को मार देती है पर देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारे आदमी आ गए थे मीरता उनका भी बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला करती है और उन्हें भी मार देती है जब ये बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगती है तभी तो वहाँ पर रॉबिना जाता है जो कहता है क्या कर रही हो ये मैंने तुम्हें एक तोहफा दिया है तुम्हें ऐसा अपने जैसा वेम्पायर बनाकर मीरता रॉबिन का गला पकड़कर कहती है तुमने मीरता का खून कर दिया है और मैं अब मीरता नहीं हूँ वो उसको बिजली का झटका देकर वहाँ से उस औरत को साथ ले जाती है कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वो औरत मीरता को सिखा रही थी कि कैसे उसे अपने शिकार को पकड़ना है मीरता को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो बिल्कुल तैयार है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है